नाउ वील बी डूइंग एट्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1, एट्थ क्वेश्चन. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का यहां मीनिंग होता है दैट इट इज फिल्ड अप, मतलब वो किस चीज का बना हुआ है. ऐसा नहीं है कि वो खाली है उसके अंदर हम कुछ डालेंगे, वो ऑलरेडी एक जैसे मेटल ही है उसके अंदर, वो मेटल का सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, या वुडन या मेटल का कुछ ऑलरेडी उसके अंदर फिल्ड अप है जिससे कि वो बना है सिलेंडर. अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. सो लाइक दिस इज द सिलेंडर. अब इसके अंदर फिल्ड अप है ऑलरेडी, और वो कह रहे हैं कोनिकल कैविटी इज हॉलोड आउट. एक कोन शेप एक इन्वर्टेड कोन शेप ये इसमें से निकाला गया, ऐसे काट के, इस शेप का काट के इसको हटा दिया. सो जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया था, मैं शेड कर रहा हूं इसको, ये वाला जो पोर्शन था इधर हम अब जा सकते हैं, क्योंकि यहां एक ऐसे आप कह सकते हो एक एक डिप्रेशन बन गया ऐसा, एक उस सिलेंडर के अंदर एक एक खड्डा जैसा बन गया इस कोन शेप का, ट्रायंगुलर शेप. सो यू कैन रीच दिस ब्लू पोर्शन, ठीक है. देन यहाँ से तो ये खाली हो गया है ना, हॉलो हो गया, बट नीचे से वो सॉलिड है अभी, नीचे से ऊपर से वो सॉलिड नहीं रहा क्योंकि वो निकाल लिया गया, तभी आप अंदर जा पा रहे हो, और कर्व्ड पार्ट पे भी उसका सरफेस एरिया है. सो जो जो मैंने ब्लू मार्क किया है, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है. सो सरफेस एरिया में क्या आएगा, टू पाई आर एच, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. व्हाट इज एच, एच इसकी हाइट है, एंड एंड रेडियस क्या है, ये वाला रेडियस, रेडियस ऑफ कोन जो कॉनिकल कैविटी बनाई गई उसका एंड सिलेंडर का सेम है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि वहां ब्रीच कर सकते हो, वो क्या होता है, पाई आर, पाई आर एल, यस वेरी गुड. एंड सर्कुलर एरिया, नीचे जो सर्कल है ना वो सॉलिड है अभी, उस पर लगा हुआ है मेटल, वहां कोई हॉलो नहीं हुआ. सो नीचे जो ब्लू वाला पोर्शन है, दिस वन, ये पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड. सर ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ये वाला बच्चा, ये देखो जहां मैं रेड कर रहा हूँ ना कलर, ये फिल्ड अप है ना अभी, ये तो हॉलो हो गया बिकॉज यहां से कोन कैविटी काट ली गई, बट ये फिल्ड अप है ऐसे का as it is, वैसे सही है, बिकॉज ये सॉलिड था सिलेंडर, सॉलिड क्लोज्ड होता है, मेटल था उसका. ओके
और एल ये कोन की जो स्लांट हाइट है, दिस इज एल। सो हमारे पास क्या गिवन है, अब हाइट है 2.4, डायमीटर है 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7। सो हमारे पास यहाँ पे आर है, एच है, एल नहीं है। एल मैंने आपको बताया था एल का क्या फॉर्मूला है हमारा, बिकॉज ये राइट सर्कुलर कोन होता है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सो एल इज प्लस आर स्क्वायर, सो यहाँ से हमारा एल आ जाएगा, एल आ जाएगा 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू 6.25, दैट इज 2.5। सो एल बी आ गया, सो जस्ट पुट करना है, तो हमें रेडियस है हमारा 0.7, हाइट इज 2.4, सो ये वाली आएगी सॉल्व करके 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54, सो द टोटल विल बी 17.60 सेंटीमीटर्स। सो जस्ट मैंने आपको पहले से कह रहा हूँ, जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, अपने अपने माइंड में इमेज को सोचना है कि जहाँ आप उसको रीच कर सकते हो, दैट इज सरफेस एरिया। सो ये आप अब कॉनिकल पार्ट पे रीच कर सकते थे, इसलिए हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट किया। और फिर से नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ये फिगर है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। तो ये जो हेमिस्फेरिकल का जो ये पार्ट है, इधर आप रीच कर सकते हो, बिकॉज ये एक ऐसा डिप्रेशन बन गया ना, स्कूप निकल गया, सो यहाँ आप पहुंच सकते हो। बट ये पहले जैसे क्लोज्ड था, बट उसमें सो ये सर्कल जो ऊपर वाला था, यहाँ अब एम्प्टी है, सो यू कैन नॉट टच दिस पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट है। सो पायर स्क्वायर काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा जो रेड पोर्शन है, इधर भी आप ऐसे पहुंच सकते हैं। एंड आप ये जो कर्व बॉडी है, यहां पहुंच सकते हैं, इसको इन चीजों को टच कर सकते हैं बस। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सब कुछ गिवन है, सो क्या अकाउंट होगा यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरियाज।
एक का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सब एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच। सो 2 पाई कॉमन ले लो एंड हाइट इज गिवन 10 प्लस 2 पाई फिर कॉमन ले लो, रहेगा 2 इंटू आर इज 3.5। सो दिस विल कम 35 इंटू 2 70 पाई एंड दिस विल कम 49 पाई। सो आंसर विल कम 374 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम्स भी मैंने जब फर्स्ट क्लास की थी मैंने सबकी वॉल्यूम आपको बताई थी, एक्सप्लेन की थी। अब हम फिर से सॉलिड्स को कंबाइन करके उनकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its. So your hemisphere. के ऊपर है कौन, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कौन इज सेम दैट इज 1। एंड हाइट ऑफ कोन, ये जो हाइट है ये भी रेडियस के इक्वल, सो ये भी हाइट भी 1 है। इसकी वॉल्यूम फाइंड करो। अब हमें आउटर सरफेस एरिया से कोई लिंक नहीं है, हमें अंदर की कैपेसिटी की बात करनी है। वॉल्यूम इज उसके अंदर कितनी स्पेस है हमारी। ओके okay? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने किया था, कोन का होता है दैट इज 1/3 πr² h प्लस हेमिस्फेयर का होता है 2/3 πr³। हमें सारा कुछ गिवन है, वेरी सिंपल, आर भी 1 है, 1² 1, हाइट भी 1 है, सो यहाँ 1 ही रहेगा, इधर भी रेडियस 1 है हेमिस्फीयर का। सो π/3 है इधर, इधर 2π/3 है, सो दिस विल बी 2π + π 3π/3 दैट इज π। सो π सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इन क्यूबिक यूनिट्स,
एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, वॉल्यूम इज इन क्यूबिक यूनिट्स, बिकॉज इसमें तीन डायमेंशन होती हैं। देखो आर दो बार और एच एक बार, या आर तीन बार, दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट्स। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू कॉन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ एल्युमिनियम शीट। Diameter of model is 3, so radius will be half of diameter, 3/2. And length is 12, length pure ki 12 hai. जिसमें से वो बोल रहे हैं ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। सो ये जो हाइट अगर हम लेते हैं कि दिस इज 2, सो इधर भी ऐसी 2 होगी, 2 to 4, सो सिलेंडर की हाइट होगी ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर। ओके, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। वॉल्यूम फाइंड करनी है सिंपली, अंदर की वॉल्यूम कंटेन्ड इन द मॉडल, एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, दैट इज अंदर की कैपेसिटी बतानी है। सो तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। सिलेंडर की वॉल्यूम वी नो द फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड दो कोन है, ईच हैज वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की वॉल्यूम है पाई। बट यहाँ पे ध्यान देना, रेडियस तो दोनों का सेम है बट हाइट डिफरेंस है, सो एक को हम H1 बोल देंगे, H2, ये कोन की हाइट है, ये H2, एंड H1 इज हाइट ऑफ सिलेंडर। That is 8 2 into 1/3 by 3/2, so इसको सॉल्व करेंगे हम, ये तो 3/5 बन रहा है सिंपली, 2 4 0 2 2 0, this is 18 pi, so this comes out to 21 pi
21 5773 तो वॉल्यूम इज 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है बच्चों? कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी ध्यान देना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हम जो क्वेश्चन आने वाले हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद, आपने ये गुलाब जामुन ये जो इस शेप के आपने देखे होंगे, खाए होंगे, एक गोल होता है स्फेरिकल शेप और एक ऐसे थोड़े ये लंबे वाले होते हैं। सो हमने इन्हीं वालों की बात कर रहे हैं, जो शेप कैसी बन रही है। एक तो इनमें सिलेंडर है बीच में, यू ऑल कैन इमेजिन वेरी वेल। So this is the shape of गुलाब जामुन इस टाइप का जो है। डायमेंशंस दी हुई हैं, ईच शेप लाइक टू लेंथ 5 सेंटीमीटर। हाँ, लेंथ टोटल 5 है इसकी, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल लेंथ इज 5। और डायामीटर जो हेमिस्फीयर का, दैट इज 2.8। ओके, सो रेडियस हो जाएगा 1.4, बिकॉज डायामीटर 2.8 है, तो यहां भी 1.4 होगा, है ना? 1.4 यहां, 1.4 रेडियस सेम होता है ना हेमिस्फीयर का इधर और इधर। सो मैंने आपको बताया था जो ये वाला रेडियस है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट, इसको एज अ हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कंसिडर कर सकते हो। ये रेडियस ही होता है, सेम होता है ये फ्रॉम ऑल साइड्स, बिकॉज इट्स अ स्फेरिकल सर्कुलर होता है हर जगह से। सो ऐसे ही ये वाला भी ऐसे 1.4 है। सो टोटल 5 था, 1.4 1.4 दैट इज 2.8, है ना? 2.8 कम होगी इसकी हाइट, हेमिस्फीयर अगर हटा दें तो ये इसकी हाइट रह जाएगी 2.2 ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, now we have to find the question, mein kya bolu, how much syrup would be found, read the question, how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, gulab jamuns
और एक गुलाब जामुन में जो सिरप है, शुगर सिरप है, वो 30% है उसकी वॉल्यूम का। सो इसकी जो भी वॉल्यूम होगी उसका 30% होगा उसका शुगर सिरप। सो एक गुलाब जामुन का बता देंगे कि कितना शुगर सिरप है, एक की वॉल्यूम निकाल के फिर into 45 कर देंगे हम सिंपली। सो आंसर आ जाएगा, बिकॉज 45 गुलाब जामुन का बताना है कि एक में अगर इतना सिरप है तो 45 मिलता है। क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं कि 30% है, बिकॉज गुलाब जामुन में अकेला शुगर सिरप नहीं होता, बाकी 70% जो होगा उसकी वॉल्यूम, क्योंकि गुलाब जामुन वॉल्यूम क्या होता है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो किस चीज़ का है, अंदर से क्या क्या फिल्ड अप है, दिस इज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझो, उसके अंदर की बात हो रही है। सो 30% उसके अंदर शुगर सिरप है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है गुलाब जामुन में, खोया क्यों होता होना जी हो गया जी, अरे है। कौन बोल रहे, एवरीबडी म्यूट। सो आई वाज सेइंग गुलाब जामुन में खोया होता है, दूध होता होगा, जो भी होता है, आई डोंट नो, उसके अंदर शुगर सिरप 30% और हमें बात कर रहे हैं हम शुगर सिरप की। सो एक की वॉल्यूम निकाल लेंगे, 30% करके शुगर सिरप आ जाएगा, तो 45 गुलाब जामुन का शुगर सिरप कैसे आएगा, into 45 करके। सो एक की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टू हेमिस्फेयर, बिकॉज इज मेड अप ऑफ वन सिलेंडर एंड टू हेमिस्फेयर। सो उसका फॉर्मूला वी ऑल नो, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज ऑफ सिलेंडर एंड 2 into 2/3 पाई आर क्यूब। एक हेमिस्फेयर की थी 2/3 पाई आर क्यूब, सो दो हेमिस्फेयर हैं इसलिए 2 से। सिलेंडर की रेडियस है 1.4, हाइट है 2.2, अभी निकाली हमने, इज द रेडियस। सो ये सॉल्व करके आ रहा है हमारा 2.4 टोटल वॉल्यूम, कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी फिल्ड अप है ऑफ 1 गुलाब जामुन। सो ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन की कितनी वॉल्यूम होगी, 1, 1, 2, और ये टोटल वॉल्यूम होगी और 30% है शुगर सिरप। सो इसका हम 30% करेंगे, दैट इज 338.17 cm³। दिस इज द शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन। या तो आप पहले एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप निकाल के into 45 करोगे तब भी इतना आएगा, 45 गुलाब में टोटल वॉल्यूम का शुगर सिरप 30% करोगे तब भी, यू कैन डू इट इधर वे। सो कंबाइन करना है यहाँ पे फिगर्स को, इन चीजों को ध्यान से समझना है। अब
pen stand made of wood is in the shape of cuboid. ये वाली क्यूबॉइड है ना, विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन. अब ये होते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन बनाए हुए हैं उसमें सो दैट पेन उसके अंदर हम डाल सकें. ठीक है, क्यूबॉइड के डायमेंशन भी दिए हैं, डिप्रेशन के हाइट भी दी है कि वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर अंदर डिप्रेशन बनाया है, और उसकी रेडियस भी दी है, कोन है ना, इन्वर्टेड कोन शेप डिप्रेशन है लाइक. दिस इज द डिप्रेशन. अब हमें और फिर से वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, इस पेन स्टैंड में वुड कितनी है, वो ध्यान से समझने वाली बात है. यहाँ पे वुड निकाली गई है, ये कि जो खड्डे करे हैं ना, ये वुड हटाई गई है. सो जब हम वॉल्यूम ऑफ वुड की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम थी दैट वाज कि उसके अंदर कितनी वुड है, और जब स्टैंड की बात कर रहे हैं तो वो जो चार निकाल लिए डिप्रेशन, वो जो वुड थोड़ी थोड़ी निकाली वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड आ जाएगी. दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस विल बी द इक्वेशन टू सॉल्व दिस. और मैं आपको एक और बताऊं यहाँ पे कि अगर आपको इस स्टैंड का एरिया निकालने को बोला जाता तो आप क्या करते, तो 5 फेसेस जो थे, बाकी रेक्टेंगुलर फेसेस थे वो, उन सबको ऐड करके, और ये जो ऊपर वाला जहाँ पे डिप्रेशन है इसके, इसको भी ऐड करके सब्ट्रैक्ट क्या करना था, ये जो ऊपर के सर्कल्स थे ना ये सब्ट्रैक्ट करने थे, और ये जो अंदर के डिप्रेशंस थे जो कोन्स बन रहे हैं, कोन के सरफेस एरिया ऐड करने थे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ आप टच कर सकते हो ना अंदर के, ये जो खड्डा है इसको टच कर सकते हो. सो वॉल्यूम के केस में वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कोन की वॉल्यूम, बट इफ यू हैड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर तो उस एरिया में ये जो कोन्स के जो अंदर के खड्डे थे, ये जो कोन्स का सर कर्व्ड सरफेस एरिया था कोन का पाई आर एल, ये आपको 4 बार ऐड करना था बिकॉज यू कैन रीच देयर. सो क्या होता है यहाँ पे टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ ध्यान से समझना. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 पाई आर एल, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन, और सब्ट्रैक्ट क्या होता, जो ऊपर ये सर्कल्स बन गए, क्योंकि यहां नहीं आप टच कर सकते, वो सर्कुलर पार्ट आपका फिनिश हो गया ना. सो माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज 4 सर्कल्स पे आप टच नहीं कर सकते, वो तो हॉलो होगी, वहां तो एयर है, अंदर आप टच कर सकते हो उसके कोन के सरफेस एरिया पे टच कर सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो ये डिफरेंस है वॉल्यूम और सरफेस एरिया के. वॉल्यूम के केस में आप कोन की वॉल्यूम हटा रहे हो, और सरफेस एरिया केस में वो आप ऐड कर रहे हो. Very important to understand this concept. किसी को नहीं समझ आया तो बता देना. I hope समझ आ गया होगा. So अभी बस simple हमने कुछ भी नहीं करना. Volume of cuboid you all know LBH minus 4 into volume of cone 1 by 3 pi r square h. You have all the dimensions. Fifteen
क्यूबॉइड की डायमेंशन 15 इंटू 10 इंटू 3.5 एंड 4 इंटू 1 बाय 3 रेडियस ऑफ कोन जो डिप्रेशन बन रहा है दैट इज 0.5 सो हाफ एंड हाइट इज 1.4 सो दिस विल कम अप टू 525 माइनस 1.47 दिस विल कम अप टू 523.5 ओके स्टूडेंट्स सो फोर्थ क्वेश्चन ऐसे होगा